हैरान कर देने वाली घटना। प्रेमी ने अपनी गर्लफ्रेंड के 35 टुकड़े कर रखे थे फ्रीजर में। दरअसल कुछ महीनों पहले आफताब और श्रद्धा मुंबई के एक कॉल सेंटर में मिले, जहां वो एक दूसरे से प्यार कर बैठे और घर से भागकर दिल्ली आ गए। श्रद्धा के परिवार वाले सोशल मीडिया के जरिए उसकी जानकारी लेते रहते थे, लेकिन जब सोशल मीडिया पर अपडेट आना बंद हो गए तो लड़की के पिता ने दिल्ली पहुंचकर आफताब पर बेटी को भगा लाने का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए आफताब का लोकेशन ट्रेस कर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि श्रद्धा उस पर लगातार शादी का दबाव बना रही थी, जिसके बाद इन दोनों में अक्सर विवाद होता रहता था। इस बात से परेशान होकर आफताब ने अपनी प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर लाश के 35 टुकड़ों को फ्रीजर में रखकर हर रात 2 बजे के आसपास एक टुकड़े को जंगल में फेंक आता था। इस मामले में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष सौती जी ने ट्वीट किया है कि एक रूह कपाने वाले मामले में दिल्ली में एक लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने जान से मार दिया और उसके 35 टुकड़े कर फ्रीज में रखे, उसके शव के टुकड़ों को शहर के अलग अलग इलाकों में फेंका। समाज में कैसे कैसे दरिंदे पल रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरिंदे को कड़ी सजा होनी चाहिए।